हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आप देख सकते हो कि मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं माँ अन्नपूर्णा के मंदिर। कुछ दिनों पहले पूजा हो चुकी है माँ अन्नपूर्णा की, बट उस दिन हम नहीं जा पाए थे अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए हमने सोचा कि आज चलते हैं, और क्योंकि मेरे बाबा आए हुए हैं आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद बाबा यहाँ पे आए हैं, तो हमने सोचा कि बाबा को घुमा के लेके आते हैं। तो इसलिए मम्मा भी बहुत खुश है अपने दादू को, मतलब वो घूमने जाना चाहती है। तो इसलिए मम्मा, उसके दादू और हम सब जा रहे हैं पास ही में अन्नपूर्णा मंदिर, जहाँ पे हम लोग पूजा देंगे। तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आई एम श्योर कि ये व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर, चलते हैं माँ के दर्शन करके आते हैं। सो हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए हम थोड़ा सोच रहे थे कि धूप पड़ जाए उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी तैयार हो चुके हैं और बस अभी हम निकल ही रहे हैं। मम्मम को भी मैंने तैयार कर दिया है, वो अभी इस वक्त उसके दादा, आप देख सकते हो दादू के गोदी में है। उसको जाने की ज़्यादा जल्दी है, पर उसके पापा अभी तक नहीं आए, बस लॉक कर रहे हैं रूम और हम भाई अभी हम निकल जाएंगे। तो चलिए, तो ये है अन्नपूर्णा मंदिर, बिल्कुल दक्षिणेश्वर की तरह दिखता है ना, क्योंकि दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है वो बनाया था रानी रासमणि ने, जो एक बहुत ही महीयसी महिला थी, और उनकी ही बेटी जगदम्बा ने ये मंदिर बनाया था माँ अन्नपूर्णा का। बहुत मान्यता है इस मंदिर का, बहुत माना जाता है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, मम्मा पापा सब लोग जा रहे हैं। दक्षिणेश्वर की काली मंदिर की तरह यहाँ पे भी, मतलब इस अन्नपूर्णा मंदिर में भी शिव मंदिर है, मेन मंदिर के अलावा शिव मंदिर है। यहाँ पे 6 शिव मंदिर है टोटल, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है और वहाँ पे 3 है, टोटल 6 शिव मंदिर है। डिफरेंस यह है कि दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर है वहाँ पे 12 शिव मंदिर है मेन मंदिर के अलावा, और यहाँ पे 6 शिव मंदिर है मेन मंदिर के अलावा। हमने दर्शन कर लिया है माँ की, बट अभी पूजा नहीं हो रही है,
जो पंडित जी है वो आएंगे शाम को 7 बजे, तो इसलिए हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी 6:30 बज चुके हैं, तो हमने सोचा कि एक बार पूजा देके ही हम जाएंगे, बाकी 7 बजे तक ऊपर पंडित जी आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग पूजा कर लेंगे। यहाँ पे टोटल 6 शिवलिंग है। दूसरा, और ये तीसरा शिवलिंग। टोटल 6 शिवलिंग है, यहाँ पे 3 आपने देख लिया, वहां पे 3, टोटल 6 शिवलिंग है यहाँ पे। तो ये वहाँ आप लोगों को मैंने 3 दिखा दिया अंदर से, और यहाँ से मैं बाहर से आप लोगों को 3 और दिखा रही हूँ। तो अभी मंदिर के पास जाके बैठते हैं, पंडित जी आएंगे, पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और मम्मम गई है अपने दादू के साथ, इधर उधर घूम रही है, और उसके दादू भी बिंदास उसको घुमा रहे हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी हवा आ रही है, अगर एक जगह पे बैठ जाओ ना शांति से आप बैठ सकते हो, इतनी अच्छी हवा आ रही है। अब लग रहा है कि अगर थोड़ा जल्दी आ जाते तो जल्दी आ जाते तो धूप होती ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, इस टाइम पर आए हैं तो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आरती होगी तब हम पूजा करेंगे। शुरू हो चुकी है और हमने पूजा भी कर लिया है, बट ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा और हमें घर भी जाना है। रात हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं घर चलते हैं, तो इसलिए अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि पूजा तो हो चुकी है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। ये थी हमारा एक छोटा सा ट्रिप। आई एम श्योर कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।